इलेक्शन कार्ड विषय में इलेक्शन कार्ड यही आधार कार्ड कुछ पहले ही आधार कार्ड का इलेक्शन कौन सुन के मेरे को यहाँ बता पा बैठ बच्चे ये चांस पर आ रहा है कि बंदे ने फोन कर दिया बस शुरू सो सीन दी लास्ट डेट पर चाह मैं इसका लास्ट डेट कुछ भी नहीं है ये आज जस्ट स्टार्ट हो गया है तो कभी भी भर सकते हैं जी। अच्छा आज कहाँ कहाँ से लोग आए स्पेशली ये टाउन के लिए था कि बाकी ब्लॉक्स के लिए भी था ये? नहीं ये कोई इसमें कोई पर्टिकुलराइजेशन नहीं है टाउन में क्योंकि हर हमारे टाउन में डिस्ट्रिक्ट के हर कोने से लोग हैं इसलिए हमने ये समझा कि लोगों तक अवेयरनेस पहुंचाने में सबसे जो इजी वे है वो यहाँ रहेगा। अगर हम किसी पर्टिकुलर ब्लॉक में करता तो वो तो सिर्फ उसी ब्लॉक तक सीमित रह जाता है। अब टाउन में किया है तो टाउन में हर ब्लॉक से है देखो यहाँ पे शंकु से लेके द्रास से लेके हमारे बटालिक से लेके हर जगह से यहाँ पे लोग हैं तो इनके थ्रू अगर हर ब्लॉक में से एक एक बंदा भी होगा तो वो अपने हिसाब से किसी ना किसी को बता देगा तो ये बात हर जगह फैल जाएगी इसलिए ये सोच के हमने यहाँ पे रखा हुआ है। जैसे कि विश्वकर्मा जो स्कीम है वो किस किस सेक्टर में काम कर रहा है और यूज़ के लिए किन किन सेक्टरों में जो है वो अपॉर्चुनिटी दी जाएगी? इसमें तकरीबन 15-16 ट्रेड्स है जिसमें कारपेंट्री टॉप पे है, टेलरिंग है, साथ में निटिंग है, मैसन्स है, इसी तरह पॉटरी है। पॉटरी बहुत सारे लोगों को लगता है कि पोटरी जो हमारे गांव के हैं बॉर्डर एरिया से वो पोटर समझते हैं जो हमारे घोड़े चलाते हैं तो ये कन्फ्यूजन है ये वो वाला पोटर नहीं है। पोटरी जर बनाती थे कला इस नोत चौदे ये वो वाला चीज़ है जो हमारे यहाँ पे नहीं है। अगर किसी को इसमें भी कला होगा या किसी को ये चीज़ भी सीखना है तो इसमें अप्लाई कर सकता है उसको फिर बाद में ट्रेनिंग मिलेगा। स्कीम है इट वॉज लॉन्च्ड बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन 17 सितंबर 2023। तो मेन पर्पस इस स्कीम का जहाँ तक देखने को मिल रहा है और हमने देखा है पढ़ा भी है इस स्कीम के बारे में अवेयरनेस जो कैंप्स हुआ है देखा है तो ये जो स्कीम है इट्स फॉर लोकल आर्टिशन जो लोकल आर्टिस्ट है लोकल जो वर्कर्स है जो कि पर्टिकुलरली इन द फील्ड ऑफ आप हैंड क्राफ्टिंग हो या बाकी टूल्स से रिलेटेड जितने भी यहाँ पर मैनुफैक्चरिंग को बाकी चीज़ों के से रिलेटेड जो एक स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जिसमें ये यूथ्स को आगे आने के लिए और उनको अपलिफ्ट करने के लिए आई थिंक डिफरेंट स्कीम्स से लोन से वगैरह और ये प्रोवाइड कराता है। तो ओवरऑल इट्स लाइक पीएमजीपी की तरह ही मुझे लगता है ये ऐसा ये स्कीम है जिसमें ये स्कीम का मुझे लगता है अपकमिंग यूथ्स को बहुत बेनिफिट मिलेगा और यूथ्स को आगे आना चाहिए आर्टिस्ट्स को आगे आना चाहिए और इस बेनिफिट इसका जो एजेंसी है वो इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स है। अब टाउन में जो है टाउन हमारे अंडर आता है तो हमने एक अवेयरनेस टाउन के लिए एक अवेयरनेस कैंप आज यहाँ मुनाक़द किया था जिसमें हमारे टाउन के जितने भी आर्टिजम्स हैं या जितने भी हमारे कारीगर हैं उनको रजिस्ट्रेशन करने के लिए उनके आधार कार्ड अपडेट करने के लिए यहाँ पे एक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हिदायत मिली थी कि यहाँ पे एक टाउन में एक अवेयरनेस कैंप मुनाक़द किया जाए। तो इसके बारे में हमने हमारे जितने भी टाउन के लोग हैं इनको अवेयर किया था अनाउंसमेंट के थ्रू कि भाई आप लोग यहाँ पे आइए यहाँ पे अपने आधार को अपडेट करवा लिए और जो सेंट्रली स्पॉन्स स्कीम जो है विश्वकर्मा है उसमें रजिस्ट्रेशन करवाइए करवाने के लिए यहाँ पे आइए। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पूरे डिस्ट्रिक्ट करगिल से लोग आए हुए हैं लेकिन ये असली मकसद जो है टाउन के लिए था कि टाउन को एक दफ़ा हम इसको अवेयर करके अपडेट करके टाउन के लोगों को बेनिफिट देना था और अब तो सब आए लेकिन सब आने के इतना मेला लग गया कि यहाँ पे आप लोग मतलब आधार वाले काम भी नहीं कर सकते हैं ये हालात यहाँ पे हो गए हैं। इसमें ज़्यादातर जो लेडीज़ हैं और ख़ासकर छोटे छोटे लड़कियाँ जो है शायद उनको अपने आधार कार्ड की अपडेशन के लिए वो ज़्यादातर यहाँ आए हुए हैं। ओके सर